नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 14 अक्टूबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ घटे है, क्या बड़ी खबर है, उसकी पूरी जानकारी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पावर सोर्स कर्मचारियों की नहीं जाएगी नौकरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों में आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से वित्त विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसा करके सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी की मांग को पूरा कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों में आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की सेवाएं अगले आदेशों तक जारी रहेगी, यानी उनको नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा। इससे संबंधित आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों तथा सभी संबंधित एजेंसियों को जारी कर दिए गए हैं। साथ ही इन आदेशों में ये भी साफ किया गया कि यदि कोई इन आदेशों का पालन करने में असमर्थ हो तो इसके लिए उन्हें सरकार से आवश्यक दिशा निर्देश लेने होंगे। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या निदान के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया है। इसमें उप समिति की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को कंपनी अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास कंपनी बनाया जा रहा है। अब इसी कंपनी के माध्यम से सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालय व अन्य सरकारी उपक्रमों में आउटसोर्स कर्मचारी रखे जाएंगे। कंपनी के गठित होने तक सरकार ने किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नहीं निकालने का निर्णय लिया है। दिवाली से पहले शिमला शहर को मिला 12 नए टेम्पो ट्रैवलर का तोहफा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को 12 नए टेम्पो ट्रैवलर का तोहफा मिला है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने गुरुवार को सचिवालय से हरी झंडी दिखाकर इन गाड़ियों का लोकार्पण किया है। नए टेम्पो ट्रैवलर 25, 13 और 14 सीटर है। अलग अलग क्षमता के चलते इन्हें मांग के अनुसार रूटों पर चलाया जा रहा है। बल्क डक पार्क 10,000 करोड़ रूपए की इन्वेस्टमेंट, 20,000 नौकरियां, दुनिया देखेगी दवाओं की ताकत। हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं की ताकत दुनिया जान चुके हो, एशिया के नंबर 1 फार्मा हब से भी वाकिफ है। अब इस फार्मा हब को ऐसी मजबूती मिलेगी कि हिमाचल की तरक्की का राह तेजी से दौड़ता नजर आएगा। ऊना के हरोली में बनने वाला बल्क ड्रग पार्क मेडिसिन सेक्टर में एक ऐसी क्रांति लाएगा कि हिमाचल दवाओं के साथ रोजगार में भी नई कहानी लिखेगा। निश्चित तौर पर बल्क ड्रग पार्क 20,000 नौकरी लेकर आएगा और यहाँ पर फैक्ट्रियों का ऐसा साम्राज्य तैयार होगा कि आने वाली पीढ़ियां हिमाचल में रहकर हिमाचल के विकास की भागीदार बनेगी। बल्क ड्रग पार्क में 90 से ज्यादा दवाइयों के लिए कच्चा माल तैयार होगा। अनुमान है कि 20,000 से ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। ये 3 साल में बनकर तैयार होगा। इसके निर्माण के लिए हरोली क्षेत्र में 5 गांवों में 1400 एकड़ भूमि का चयन किया गया है। सरकार बल्क ड्रग पार्क में 2,000 करोड़ रूपए का निवेश कर रही है। आने वाले समय में यहाँ 10,000 करोड़ रूपए का निवेश होगा। इससे स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। दुनिया ने हिमाचल में बनी दवाओं की ताकत देखी है। योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी होगी। इस मेगा परियोजना से न सिर्फ दवा उद्योग बल्कि अन्य कई उद्योगों की भी आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। अब एचपीयू से गैर शिक्षक कर्मचारियों के रिक्त पद भरने को नवंबर और दिसंबर में होगी लिखित परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में गैर शिक्षक कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया के तहत आगामी नवंबर और दिसंबर माह में लिखित स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित होगी। संभावित शेड्यूल के अनुसार 1 जून 2020 व 4 जनवरी 2020 को विज्ञापित जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOIT के पदों के लिए लिखित स्क्रीनिंग टेस्ट 8 नवंबर को संभावित है। इसके अलावा 1 जून 2020 व 4 जनवरी 2022 को विज्ञापित ड्राइवर SB व LB के पदों के लिए लिखित स्क्रीनिंग, 12 नवंबर को लो ऑफिसर के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 10 दिसंबर को, 7 दिसंबर 2020 को विज्ञापित किए गए जूनियर इंजीनियर ऑटो के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 10 दिसंबर को, 1 जून 2020 व 4 जनवरी 2022 को विज्ञापित जियो अकाउंट्स के पदों, SPU मॉडल स्कूल में JPT6 के पदों को भरने के लिए लिखित स्क्रीनिंग टेस्ट 10 सितंबर को आयोजित होने संभावित है। इसकी सूचना विस्तार ने जारी कर दी है। साथ ही कहा है कि उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड शीघ्र ऑनलाइन यूजर आईडी पर अपलोड कर दिए जाएंगे। विस्तार के रजिस्ट्रार ने उम्मीदवारों को विस्तार के भर्ती पोर्टल पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। खबर लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स व फिजिक्स के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है।
शेड्यूल के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर गणित के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 18 अक्टूबर को आयोजित होगा, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर फिजिक्स के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 20 अक्टूबर को आयोजित होगा। इसके लिए आयोग ने सभी पात्र उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसके अलावा उम्मीदवारों को ईमेल और एसएमएस के जरिए भी सूचित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहले की सरकारें हिमाचल को सामर्थ्य से नहीं संसद की सीटों से आंकती थी। हिमाचल में पहले जो सरकारें रही है, दिल्ली में जो लोग बैठे थे वे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उदासीन रहे। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल ने उठाया है। पीएम मोदी गुरुवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम ऊना में विकास संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने ऊना रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हरोली में बालकड़ा फार्मा पार्क का शिलान्यास और स्लो स्थित आईआईटी भवन का लोकार्पण भी किया। ऊना के बाद पीएम मोदी चंबा पहुंचे, जहां उन्होंने चांजू में निर्माणाधीन 48 और 30 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने ग्राम सड़क योजना के 33 टन का भी शुभारंभ किया है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में उन्होंने कहा कि हरोली में बालकड़ा फार्मा पार्क और नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क दुनिया भर में हिमाचल का नाम रोशन करने वाले है। कोरोना काल में दुनिया ने हिमाचल में बनी दवाओं की ताकत देखी है, अब भूमिका और बढ़ने वाली है। मोदी ने कहा कि हिमाचल में कच्चा माल और दवाएं बनेगी तो उद्योग भी फलेंगे और फूलेंगे, दवाएं भी सस्ती होगी। इसका लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को होगा। चंबा के चौगान में आयोजित जनसभा में मोदी ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में हिमाचल की फाइलें दिल्ली में भटकती थी, इसलिए दुर्गम क्षेत्र विकास की दृष्टि से पिछड़े। अब डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में दुर्गम क्षेत्रों में विकास पहले होता है। कांस्टेबल भर्ती मामले में डीआईजी मंडी को हाईकोर्ट ने किया तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती मामले में डीआईजी मंडी को 20 अक्टूबर के लिए तलब किया है। अदालत ने पाया कि डीआईजी मंडी आदेशों के बावजूद भी मामले की स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनाती के कारण भी अदालत में पेश नहीं हो सके। राज्य सरकार की गुहार पर अदालत ने मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को निर्धारित की है। मामले को न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। कांस्टेबल भर्ती को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। आरोप लगाया गया कि इस भर्ती प्रक्रिया में डीआईजी मंडी ने भर्ती नियमों को दरकिनार किया है। नियमों के अनुसार उम्मीदवार के किसी भी अंग में पेच या प्लेट नहीं होनी चाहिए, जबकि चयनित उम्मीदवार की बाजू में प्लेट होने पर भी उसे बाहर नहीं किया गया। अदालत ने डीआईजी मंडी को आदेश दिया कि वे इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। उसकी लाचार प्रणाली के चलते अदालत ने उसे स्पष्ट करने के लिए तलब किया है। हिमाचल प्रदेश में 6 दिन शुष्क रहेगा मौसम, 3 दिन बाद मनाली लिए मार्ग बहाल। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम शुष्क रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 14 से 19 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं गुरुवार को राजधानी शिमला समेत अन्य भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए रहे। उधर सामरिक मार्ग मनाली लिए मार्ग 3 दिन बाद यातायात के लिए बहाल हो गया है। हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक ने जारी की संशोधित वेतनमान के लिए एरियर की पहली किस्त। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने अपने 1800 अधिकारियों और कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त जारी कर दी है। बैंक प्रबंधन ने कुल एरियर का 40% पहली किस्त के तौर पर जारी किया है। इसके अलावा दिवाली के उपलक्ष्य में बैंक प्रबंधन ने 1 माह का अतिरिक्त वेतन बोनस के तौर पर भी जारी कर दिया है। एरियर और बोनस देने पर गुरुवार दोपहर बाद बैंक के कर्मचारी यूनियन ने महासचिव अनिल चौहान की अगुवाई में बैंक के अध्यक्ष खुशी राम बाल्टना से मुलाकात कर उनका आभार जताया है। 15 अक्टूबर को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, प्रत्याशियों की पहली सूची होगी जारी। विधानसभा चुनाव के टिकट आवंटन को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 15 अक्टूबर को होगी। इससे पहले 2 दफा ये बैठक टल चुकी है। दिल्ली में दोपहर 4 बजे बैठक होगी। माना जा रहा है कि बैठक के बाद देर शाम कांग्रेस हाईकमान की तरफ से प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी जाएगी। गौर हो कि प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में करीब 40 सीटों के प्रत्याशियों पर सहमति बन चुकी है। ऐसे में शेष 28 सीटों पर दूसरी बैठक में मंथन होना है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। देखा जाए तो प्रदेश कांग्रेस में कुछ सीटों को लेकर खासा विवाद है। शिमला में केवल ग्रीन पटाखे फूटेंगे, रात 10 बजे तक ही चला सकेंगे, प्रशासन ने जारी किया आदेश। दिवाली पर्व पर इस बार रात 10 बजे तक ही लोग पटाखे जला सकेंगे। वायु और ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है।
इतना ही नहीं, जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि अगर राज्य सरकार कोई आदेश पारित नहीं करती तो प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए पर्यावरण मित्र पटाखों को ही दिवाली पर जलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। पटाखे जलाने का समय रात 8 से 10 बजे के बीच निर्धारित किया है। डीसी ने सभी से प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए सहयोग करने की अपील की है। प्रतिभा सिंह बोली, हार से घबराई भाजपा, तभी प्रदेश के हर क्षेत्र में करवाई प्रधानमंत्री की रैली। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को अपनी हार साफ नजर आ रही है। ऐसे में घबराई हुई भाजपा प्रदेश के हर जिले में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां करवा रही है। ये बात है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने वीरवार को राजीव भवन में मीडिया से कही। उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में प्रधानमंत्री के ऊना और चंबे दौरे को महज एक चुनावी रैली करार दी है। उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री की मंडी, धर्मशाला और शिमला में रैलियां हो चुकी है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा को सत्ता खोने का डर सता है। ऐसे में प्रधानमंत्री की रैलियां करवाई जा रही है। राजीव शुक्ला बोले, 1 से 2 दिन में जारी होगी कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की प्रवर्तन प्रतिज्ञा रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा आगामी 1-2 दिन में प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार की कमान प्रियंका गांधी संभाल रही, जो खुद हिमाचल से संबंध रखती है। आने वाले दिनों में पूरे हिमाचल का दौरा करेगी। रैली में कई बड़े नेता सोलन आएंगे, इनमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त, लेकिन भी हिमाचल और गुजरात भी आने वाले दिनों में आएंगे। 9 दिनों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का पीएम मोदी करेंगे दूसरा दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिनों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का दूसरा दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर के कई कार्यक्रम इससे पहले हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के केंद्रीय नेताओं के ये दौरे बेहद अहम माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आला नेताओं के दौरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में चुनाव का बिगुल बजने से पहले भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसमें तो भाजपा हाईकमान की हिमाचल में बढ़ती सक्रियता साफ इशारा कर रही है कि पार्टी पूरी मजबूती और ताकत के साथ चुनावी जंग लड़ेगी। इसी कड़ी में 17 सीटों वाले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी पार्टी हाईकमान का पूरा फोकस है। हिमाचल को देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना से दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह ऊना पहुंचकर हिमाचल को हाई स्पीड भारत वंदे एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने ऊना रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन अब अंदौरा से चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार अब अंदौरा से नई दिल्ली के लिए चलने वाली ये ट्रेन देश में शुरू की जाने वाली चौथी वंदे भारत ट्रेन है और पहले की तुलना में एक उन्नत संस्करण है, जो बहुत हल्का और कम अवधि में उच्च गति तक पहुंचने में सक्षम है। ये ट्रेन महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। ट्रेन की शुरुआत से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रा का एक आरामदायक और तेज तरीका प्रदान करने में मदद मिलेगी। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से बड़ी ठंड, प्रदेश में 17 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान दूसरे दिन भी बर्फबारी जारी रहने से ठंड बढ़ गई है। इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिले के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फ गिरी है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। शिमला में भी कल गरज चमक के साथ बादल बरसे। मौसम के इन तेवरों से शिमला में दिसंबर की तरह ठंड शुरू हो गई और गर्म कपड़े निकल आए हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भी बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, तलवाड़ा तक रेलवे लाइन नहीं पहुंचा पाए पीएम मोदी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को सोलन पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली भ्रष्टाचार के खिलाफ है। प्रधानमंत्री के वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन पर उन्होंने कहा कि वंदे भारत तो पहले से ही चल रही है, एक ट्रेन की पटरी कांग्रेस ने बनाई थी। मोदी सरकार तलवाड़ा तक रेलवे लाइन नहीं पहुंचा पाई। प्रधानमंत्री जितनी भी रैलियां कर ले, उन्हें जनता के वोट नहीं मिलने वाले। उन्होंने कहा कि जयराम बताए कि कोरोना में भ्रष्टाचार के मामले में नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दिया था। सरकार ने 5 वर्षों में जनता को धोखे देने का काम किया है।